अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ही लगा। हम लोग फोन करके, किसी को भी नहीं मिला, भाई लोगों को फोन लगा तो तुरंत मेरे को हेल्प करने के लिए आया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छा लग रहा। हम लोग पूरे रोजे में हैं, जो कुछ भी है ये रोजे में जो देखे गया बहुत अच्छा लगा हमको। अब तक कोई भी नहीं आया, मेरे एक दोस्त की मदद से इतना दूर तक आए। लेबर कैंप वाले जो मजदूर लोग हैं, इन लोगों को कुछ दिए पैसा वगैरह, चावल वगैरह, तो सब लेके बांट के भी गए। अभी अगले फिर दिन। अस्सलाम वालेकुम, मैं कलकत्ता का निवासी हूँ। मेरा नाम मोहम्मद महबूब आलम है। मैं इधर बहुत मुसीबत में हूँ, लेकिन हम तो बहुत बार कोशिश करे, लेकिन मैं अपना उधर का एमपी जो है उनको भी कॉल करे, उन्होंने भी नहीं आए, उनका कोई रिप्लाई भी नहीं आया। हमारा ममता दीदी को भी बहुत बार बोले, उन्होंने भी कोई रिप्लाई नहीं लिए। उनकी मदद से अगर हम लोग घर पहुंचे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हम लोग बहुत परेशान थे, परेशानी होके बहुत आदमी थे यहाँ से चले भी गए। तो अभी जो परेशानी से है, हमारा हैदराबाद यूथ से कुछ लोग आए, हमारा भाई लोग, ये लोग आके हम लोग को थोड़ा मदद करे। तो मदद करने के बाद हमको अच्छा लगा है कि उन लोग राशन पानी कुछ दे के गए। फिर अल्लाह ताला ने चाहा तो अगले दिन भी आके दे के जाएंगे बोल के बोल रहा। इसके लिए ममता दीदी, अगर आपसे हुआ तो आप थोड़ा मदद करिए। हमारा उधर को जो एमपी है अधीर रंजन चौधरी, आप बहुत बैठ के उधर कुर्सी पे बैठ के बात करते हैं, कभी सोचा कि हैदराबाद में कितना अपना मजदूर फंसे हुए हैं? कभी आप खबर लिए? घर में बैठ बैठ के ये करेंगे वो करेंगे, हाथी मारेंगे घोड़ा मारेंगे, सलाख मच्छर भी मारना नहीं आता तुम लोगों को, ऐसा काम करते हैं? ममता दीदी आप भी ऐसा सोचो, आपका 2021 में जो है ना आपको भी बहुत भारी पड़ेगा, ये सोच लेना। ठंडी एक मौसम में नहीं जाता, दोबारा ठंडी फिर आता है जब कंबल की जरूरत पड़ती है, ये सोच लेना हमेशा। मजदूर सबके ऊपर, मजदूर अगर अपने औकात पे आ गए ना सबके ऊपर भारी हो जाता, ये सोच लेना कभी भी, ठीक है? हम ये बोल के हमारा बात को खत्म करता हूँ। बहुत परेशान थे हम लोग, कुछ भाईजान आए हमारे को मदद करके जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत मन का ये हुआ, अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज अयूब भाई के साथ नानाक्रम गुड़ा आया और यहाँ के जो ज़िम्मेदार है मोहम्मद महबूल आलम खान, जो यहाँ के जो लेबर कैंप जो देख रहे हैं आप, ये नानाक्रम गुड़ा के और ऐसे जो है ना बीचों बीच शहर के है। जो नानाक्रम गुड़ा आप वाकिफ़ नहीं होंगे तो मैं इससे आप लोगों को वाजे कर देता हूँ। जो नानाक्रम गुड़ा है यहाँ पर अगर आप सिर्फ अगर आसपास अगर नज़र करेंगे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंचे इमारतें दिखेंगी और करोड़ों रुपए के जो है ना साहिब इस्तेताद यहाँ पर नज़र आएंगे। और ऐसे बीचों बीच एक लेबर कैंप है, जो ये लेबर कैंप है यहाँ पर कई बाहर के इलाकों के लेबर यहाँ पर काम करते हैं रोज़मर्रे की ज़िंदगी, और ये मज़दूर है। और यहाँ के जो साहब जो फरमा रहे थे कि ठंडी जो है ना, ठंडी का जो सीजन आता है तो बार बार आते हैं और कम्बल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। ये मज़दूर को आप लोग अगर आज ख्याल नहीं करेंगे, अगर कहीं के जो बाहर के इलाके जो ज़िम्मेदार है, जो यहाँ के जो ये निवासी है, तो ये बता रहे थे कि ये कई बार जो है वहाँ के लोगों को जो ज़िम्मेदार है उन लोगों को जो है ना मदद के लिए गुहार लगाए, मगर वहाँ से कुछ भी मदद नहीं आई है। तो सोचिए ये लोगों को बस कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है, और जब तकलीफ़ आती है तो ये लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर कई मज़दूर अपने अपने घर या तो कोई पैदल रवाना हो चुके या तो कोई कुछ इंतज़ाम कर कर जा चुके, तो अभी पैदल बहुत गए। तो ऐसे जो लेबर कैंप आप देख रहे, तो आप अगर अतराफ अगर ये पूरे अगर अतराफ अगर नज़र देखेंगे तो बड़ी बड़ी इमारतें दिखेंगी आपको, बड़ी बड़ी इमारतें और करोड़ों अरबों रुपए के जो साहिब इस्तेताद यहाँ से जाते आते भी दिखेंगे, मगर ये लोग को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे लेबर तखवे के जो लोग आज रोज़मर्रे की ज़िंदगी कर कर जो कमाने खाने वाले लोग हैं, आज एक टाइम के खाने के लिए जो है ना तकलीफ़ में है। तो आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए एक मैसेज ये है कि अपने अतराफ़ के इलाकों पर जाए या कहीं बाहर के इलाकों में या कहीं पर भी जो भी हो सकता है अपने हिसाब से मदद पहुंचाने की कोशिश करें। हैदराबाद यूथ यहां पर पहुंचा और अपने हिसाब से जितनी भी हमारी इस्तेतात है उस हिसाब से हम यहां पर मदद पहुंचा दिए है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी अगर अल्लाह हमसे अगर काम लेना चाह रहा है, अगर यहाँ पर अगर कुछ मदद पहुँचाने की अगर हम नीयत रखते हैं, हम तो नीयत रखते हैं, अगर हमारे पास अगर कुछ जरिया बन जाता है तो हम यहाँ पर मदद पूरी से पूरी पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हैदराबाद यूथ पूरी जो है ना यहाँ के जो अभी लोग यहाँ फंसे हुए हैं उन लोगों तक पूरी मदद पहुँचाने की पूरी कोशिश करेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।